ठंड का प्रकोप बढ़ते ही हड्डी व जोड़ों में दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। डॉक्टरों ने बताया कि इस रोग के रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। ठंड में तापमान में गिरावट के कारण नसें सिकुड़ने लगती है और शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण हड्डी व जोड़ों की तकलीफ बढ़ जाती है। हड्डियों में लचीलापन की कमी आ जाती है, जिससे जोड़ों में अकड़न की समस्या होती है। जो लोग सर्दियों में धूप नहीं सहते व शारीरिक गतिविधियां कम करते हैं, उन्हें इस तरह की समस्या बढ़ जाती है। डॉक्टरों के अनुसार ठंड की शुरुआत से ही दर्द और सूजन परेशान करने लगते हैं। इसके अलावा पहले कभी दुर्घटना में हड्डियां और लिगामेंट आदि क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उस स्थिति में भी इस मौसम में प्रभावित हिस्से में दर्द बढ़ जाता है। अस्वस्थ जीवन शैली और खान पान की गड़बड़ियां इसके मुख्य कारण हैं। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर ईशान भारद्वाज। हम शर्मा आर्थ्रोप्लास्टी एंड ट्रॉमा सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस मौसम में बुजुर्गों को दो तीन चीज़ों की दिक्कतें सच में बहुत ज़्यादा रहती हैं, जिसमें कि एक तो जोड़ों में दर्द की शिकायत बहुत रहती है, नस तन जाती है इस चीज़ की शिकायत बहुत रहती है। सुबह जब उठते हैं बुजुर्ग जिनकी उम्र 45 साल से 50 साल से ऊपर है या जो और 65-70 साल के हैं, उनके छोटे छोटे जोड़ों में, मतलब उंगलियों में, घुटनों में और पैरों में काफ़ी दर्द रहता है। इन सब से बचने के लिए बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ठंड के मौसम में जितना हो सके वो जो है गर्म कपड़ों को पहन के रखें और अपने जोड़ों को ज़्यादातर ढक के रखें। कैल्शियम की कमी की वजह से बड़े बुज़ुर्गों में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए कैल्शियम का हफ्ते में जो एक गोली आती है D3 की या जो रेगुलर कैल्शियम की गोलियां हैं उनका सेवन करते रहें। कुछ ऐसे आयुर्वेदिक भी आते हैं और एलोपैथिक भी, कुछ ऐसे बहुत अच्छे जेल्स और ऑइंटमेंट आज के टाइम पे अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करना है, जिनके लिए ज़्यादा तेज या ज़्यादा ज़ोर से मालिश करने की ज़रूरत नहीं है। हल्के हाथ से वो अगर उन्हें घुटनों पर, पैरों पर अगर मल लेंगे और अपने पैरों को ढक कर रखेंगे तो उससे उन जोड़ों को गर्माहट मिलेगी, आराम रहेगा। कुछ ऐसी नी कैप्स आती हैं जिन्हें अगर बड़े बुजुर्ग पहन कर रखेंगे तो उससे भी उन्हें आराम रहेगा। ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, ज़्यादा देर खड़े होकर काम करना या आगे झुक के करने वाले कामों जो है बुज़ुर्गों को नहीं करने चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ इस मौसम में, अगर धूप खिल रही है, सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो बुज़ुर्ग अपने जोड़ों को सुबह सुबह की धूप के दर्शन ज़रूर कराएं। इस तरीके से बैठें कि उनके जोड़ों को सुबह सुबह की धूप लगे। अपनी डाइट में कैल्शियम को बढ़ाने के लिए दूध का और मखानों का इस्तेमाल बड़े बुज़ुर्ग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी नसों की प्रॉब्लम के लिए बड़े बुज़ुर्ग पेशेंटों को, जो डायबिटिक भी हों या हाइपरटेंशन के मरीज़ हों, वो अपने खान पीन पर ध्यान दें। ज़्यादा चिकनाई का या ज़्यादा तला भुना कोशिश करें ना लें। सुबह सुबह बादाम का सेवन ज़्यादा करें, जिससे कि उनके जोड़ों में और उनकी नसों में आराम रहेगा।